जो विंडो डिफाइंडर एंटीवायरस होते हैं उसको किस प्रकार से टर्न ऑफ कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट मेनू में आ जाना है, राइट क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा, इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटीज मिल जाएंगे, इसको आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्रोटेक्शन एरिया में पहला टॉप में आप लोगों को वायरस एंड टीट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप इसको कर लेंगे दोस्तों तो वायर टीट एंड प्रोटेक्शन आप लोगों को यहाँ पर मैनेज सेटिंग्स करके मिल जाएगा, उसको आप लोगों को क्लिक कर देना है यहाँ पर है। और यहाँ पर दोस्तों रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन, और यहाँ पर ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन है, और यहाँ पर टेम्पर प्रोटेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग इसको क्लिक कर देना है, डिसेबल हो गया दोस्तों, क्लाउड को भी डिसेबल कर देना है। और चाहेंगे दोस्तों जो कि सैंड सैंपल फाइल टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोटेक्शन, आप चाहें तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उसको खासकर इसको जो टेम्पर प्रोटेक्शन है दोस्तों इसको भी आप लोग को यहाँ पर से डिसेबल कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये प्रोटेक्शन डिसेबल हो चुका है, ऑफ हो चुका है। और जैसे इसको हम क्लोज करते हैं दोस्तों और फिर से इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑन। और आप चाहेंगे दोस्तों इसको एबल करना ऑन करना चाहेंगे तो इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। और मैनेज सिक्योर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो कि हमारा रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन हो चुका है, अब इसको भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। यहाँ से भी ऑन कर सकते दोस्तों और टेम्पर को भी ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो कि विंडो डिफेंडर एंटीवायरस में इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, यानी डिसेबल और एबल हम कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों जो वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो कि विंडो डिफेंडर एंटीवायरस को किस प्रकार से इसको डिसेबल करते हैं, एबल करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।